आज हम देखेंगे डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है? मेनली इट परफॉर्म नोड टू नोड डेटा ट्रांसमिशन। जहाँ कहीं भी नोड टू नोड डेटा ट्रांसमिशन होगा वहाँ डेटा लिंक लेयर का काम होता है। डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम। जो हमारा डेटा होता है वो फ्रेम के फॉर्म में होता है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना लेना, क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे ये नोट्स यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का तो अप्रोक्स आता ही आता है। अगर वैसा ही मॉडल वगैरह के बारे में पूछते हैं तो 6 मार्क्स से कम का नहीं आता, तो आपको वहाँ पे ये ईजी हो जाएगा और याद भी रहेगा। हिंदी में थोड़ा थोड़ा लिख रखा है मैंने, जिससे कि चीज़ें याद रहेंगी। अब इसमें हमारा इनकैप्सुलेशन यूज़ होता है। इनकैप्सुलेशन क्या करता है? जो डेटा हम नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे आता है तो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि वो कहाँ से आया है या क्या डेटा है, किसके पास जाना है। इनकैप्सुलेशन क्या करता है? उसमें एक हेडर और टेलर लगा देता है, जिससे कि पता चल जाता है कि हमारा किसके पास जाना है और डेटा इनकैप्सुलेट होकर के चला जाता है। और फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल मैंने बताया था, आप भेज रहे हो 10 Mbps डेटा और जिस रिसीवर है उसकी स्पीड है 5 Mbps, तो वो डेटा रिसीव ही नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से। तो डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है? इसको मैनेज करने का काम करता है। ऐसे ही एरर कंट्रोल है। एरर कंट्रोल क्या है? आप बिट कुछ भेज रहे हो, फ्रेम मतलब इसमें फ्रेम कहेंगे, फ्रेम हम कुछ भेज रहे हैं और उसके पास कुछ और पहुँच रहा है, तो फिर यहाँ पर एरर आ रही है, तो फिर उस एरर को भी डेटा लिंक लेयर ही हैंडल करता है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल हमारे इसमें दो होते हैं। डेटा लिंक लेयर में दो तरीके के एक्सेस कंट्रोल होते हैं। आपने सुना होगा ना मैक का नाम, तो एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉजिकल लिंक कंट्रोल में हमारा फ्लो कंट्रोल आता है, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ फ्लो कंट्रोल, कि वो फ्लो को कंट्रोल करता है। एरर कंट्रोल एरर को कंट्रोल करता है। और लॉजिकल लिंक कंट्रोल में हमारा आता है मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग को अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो फिर मेरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में जाकर देख लेना, बाकी मैं बता देती हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग में हमारा जो डेटा जाता है वो पैरेलल से जाता है, मल्टीपल इनपुट लाइन रहती है जिसकी एक सिंगल आउटपुट लाइन आती है। मतलब हम पैरेलली डेटा भेजेंगे जो कि हमारा सीरियल रिसीव होगा। और डीमल्टीप्लेक्सिंग इसका अपोजिट हो जाता है। मतलब जो डीमल्टीप्लेक्स होता है, हमारा जो सिंगल लाइन का डेटा आता है वो हमारा मल्टीपल लाइन में उसका आउटपुट आता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में हमारा एनकैप्सुलेशन होता है और फ्रेमिंग होती है। एड्रेसिंग कौन सी यूज़ होती है हमारी? मैक एड्रेस, जो कि हमने पढ़ा होगा। तो मैक एड्रेस आप लोग सोचते होंगे अभी तक नेटवर्क लेयर पे यूज़ होता है, लेकिन नहीं, ये हमारा डेटा लिंक लेयर का काम है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारा क्वेश्चन में जब टिक मार्क आता है गेट के में तो फिर हम गलती करते हैं। अब इसमें क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल, एरर कंट्रोल जो कि बता चुकी हूँ मैं, और कोलिजन रिजोल्यूशन। और जो हमारा डेटा लिंक लेयर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स भी हैं ये, तो देखते हैं क्या है। टोकन रिंग, टोकन रिंग क्या है? यूजेस 3 बिट्स फ्रेम। जो हमारा टोकन रिंग है वो 3 बिट फ्रेम कॉल्ड टोकन दैट रन्स इन अ रिंग। जो हमारी रिंग होती है 3 बिट फ्रेम, उसको हम टोकन रिंग कहते हैं। इथरनेट क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल विच कवर्स PL एंड DLL। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, स्टैंडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन अ LAN। एल्स फाइबर ऑप्टिकल, फाइबर ऑप्टिकल की जगह लैन के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करता है FDDI। और फ्रेम रिले प्रोटोकॉल, फॉर WAN इज अ प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट्स फॉर PL एंड DLL पैकेट स्विचिंग। ATM क्या है? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, यूज एसिंक्रोनस टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डेटा इन स्मॉल सेल्स। PPP क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इज अ डेटा लिंक लेयर बिटवीन टू राउटर्स डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट और एनी अदर नेटवर्क बिटवीन। तो ये हमारा इतना, मतलब कि गेट के ओवरव्यू से देखा जाए तो इतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।